मैं आ गया हूँ आपके सामने आज ये एक नया वीडियो लेके। ये नया वीडियो जो मैंने बनाया है, ये वीडियो आज थोड़ा पहले बनाने वाला था लेकिन थोड़ा लेट हो गया, तो मैं आज आपको अभी बनाने के दे रहा हूँ। इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि एशिया कप का आगाज होने वाला है 30 अगस्त से, और ये टूर्नामेंट जो है वो एक शानदार टूर्नामेंट इसलिए है क्योंकि इस बार जितनी भी टीमें खेलने आ रही है वो सारी टीमें जो है वो कॉम्पिटिटिव टीम्स होगी, और हर टीम जो है वो कॉम्पिटिशन दे सकती है बड़ी टीमों को भी। तो मैं आपको प्रीव्यू दे रहा हूं कि किस तरह से इनका टूर्नामेंट रहने वाला है, और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जो अच्छे पिक हैं और कौन से ऐसे न्यू पिक्स हैं जो इस बार टीमों के अंदर लिए गए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बार वेन्यू क्या है। पाकिस्तान में भी टूर्नामेंट हो रहा है साथ साथ, और साथ ही साथ ये टूर्नामेंट जो है इसके कुछ मैचेस जो है वो श्रीलंका में भी होंगे। ठीक है, तो इंडिया जो है वो श्रीलंका में ज्यादातर अपने मैच खेलेगी, लेकिन बाकी सारी टीम्स जो है वो हर जगह अपने मैचेस खेलेगी, ये आपको मैं पहले इन्फॉर्म कर दूं। तो आप पहले बात कर लेते हैं, सबसे पहले अपन इंडिया से हैं तो इंडिया की बात कर लेते हैं। तो इंडिया के अंदर सबसे पहले ट्रम्प पिक्स कौन सी है मैं आपको बता देता हूँ। विराट कोहली, जिनको आप जानते हैं मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज, फिर शुभमन गिल ओपनर है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस यह रही है उनकी आईपीएल में भी और अभी भी काफी अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, चोट के बाद वापसी, लेकिन वापसी ऐसी कि यार बड़ा शानदार वापसी करी है, आयरलैंड सीरीज में छा गए बिल्कुल। उसके बाद में है जडेजा। अब जडेजा का तो क्या कहना, उन्होंने तो अपनी एमएस धोनी की टीम को सीएसके को फाइनल जो है इतना अच्छा जीता है, उनकी कोई बात कहने की है ही नहीं क्योंकि उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्मेंस वेस्टइंडीज टूर पर भी किया है और आईपीएल से भी शानदार परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं। सूर्य कुमार यादव, स्काई के नाम से जाने जाते हैं, अपनी टीम के लिए बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई लेकिन टीम के लिए प्रदर्शन अच्छा था, और साथ ही साथ जितने भी टूर्नामेंट अभी खेले, आयरलैंड सीरीज नहीं खेले लेकिन साथ ही साथ जो वेस्टइंडीज टूर पर खेले वहां पर भी अच्छा प्रदर्शन स्काई ने अपनी टीम के लिए किया। उसके बाद अब इस बार न्यू पिक क्या है इंडिया के लिए, इंडिया के लिए तिलक वर्मा, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा आईपीएल के अंदर, और इतना अच्छा प्रदर्शन रहा कि उनको जो है उन्होंने आयरलैंड सीरीज के लिए पिक किया, उनको वेस्टइंडीज टूर के लिए पिक किया, प्रदर्शन भी अच्छा रहा, 50s भी मारी है तो उनको इन्होंने पिक किया, तो मुझे लगता है ये एक अच्छा पिक है इंडिया के लिए। दूसरा पिक प्रसिद्ध कृष्णा, मुझे थोड़ा सवालिया निशान लगता है क्योंकि एक्चुअली एक ही सीरीज जो उन्होंने खेली इस बार, आते ही चोट से ओवर के आए, चोट से ओवर के आने के बाद में उनको जो है टीम में ले लिया गया, उसके बाद आयरलैंड सीरीज खेलाई वहां पे विकेट्स लिए, लेकिन एक ही सीरीज से उनको टीम में ले लेना ये थोड़ा अलग एक कॉम्बिनेशन दिखता है, पर ये एक न्यू पिक है इंडिया के लिए। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इंडिया टीम के बारे में। अब बता देता हूं पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान से बाबर आजम, उसके बाद मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर शानदार बैट्समैन, शादाब खान का क्या कहना, पीएसएल के अंदर भी बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस और बहुत सारी लीग्स खेल रहे हैं अभी और उनका परफॉर्मेंस जो है एज ए ऑलराउंडर बहुत अच्छा रहता है और काफी अच्छे स्पिनर भी है। शाहीन शाह आफरीदी शानदार बॉलर, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस कर रहे हैं आज के टाइम पे, हर लीग के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस किया और 100 अभी चल रहा है उसके अंदर, तो उनका परफॉर्मेंस एक नंबर से भी ज्यादा है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और टीम के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। हैरिस रऊफ, दोनों ही एक टीम से खेल रहे हैं, वेल्स फायर से, और शानदार परफॉर्मेंस रही है। हैरिस रऊफ का जो पेस अटैक है वो इतना ज्यादा तेज पेस से डालते हैं अपनी बॉलिंग, वो ही सबसे ज्यादा देखने वाली चीज होती है। तो ये इनकी ट्रम्प पिक्स है, और इनके लिए न्यू पिक है मोहम्मद हैरिस, अच्छे बैट्समैन है, ओपनिंग भी करते हैं, मिडिल ऑर्डर भी खेलते हैं। तैयब ताहिर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनके पीएसएल में, इसी वजह से इनको चूज करा गया है। अर्शद इनके बाद में लिया है अब्दुल्ला शफीक को, ये एक अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है और टीम के लिए काफी अच्छा भी खेलते हैं, तो इनको लिया गया है। और उसामा मीर, इन्होंने अभी पीएसएल के अंदर भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था और साथ ही साथ अभी ये 100 में भी खेल रहे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस काफी अच्छी है, लेग स्पिन बॉलर हैं और उस्मान कादिर की तरह इनकी बॉलिंग है लेकिन थोड़ा सा एक्शन चेंज है और थोड़ी अच्छी खासी स्पिन भी डालते हैं, तो ये ट्रम्प पिक जो है पाकिस्तान की तरफ से है। बात कर लेते हैं नेपाल टीम से, अब नेपाल की टीम जो है इस बार क्वालिफाई करके आई और मुझे लगता है छाएगी जरूर क्योंकि इसमें भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। ट्रम्प पिक्स बात कर लेते हैं, रोहित पौडेल अच्छे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, कैप्टन है नेपाल टीम के, संदीप लमिचन है लेग स्पिन बॉलर और बहुत अच्छे बॉलिंग भी डालते हैं और बहुत अच्छे ट्रम्प पिक्स हैं और क्योंकि सब लीग्स खेलते हैं आजकल तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। कुशाल मल्ला एक इनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, पीछे से बैटिंग हिटिंग करने आते हैं और शानदार हिटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी डाल देते हैं ऑफ स्पिन। उसके बाद में दीपेंद्र सिंह गिरी, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा इनका कनाडा लीग में और आज के टाइम पे छाए हुए हैं, इनको भी आप अपनी टीम में ले सकते हैं और ये आगे अपने टीम के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में है सोमपाल कामी, ये ऑलराउंडर है वैसे लेकिन बॉलिंग ज्यादा डालते हैं, बैटिंग कम आती है लेकिन बैटिंग आएगी इस बार क्योंकि इस बार सामने टीम अच्छी होगी तो बैटिंग जरूर आएगी, तो अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा। और उसके बाद में बात कर लेते हैं न्यू पिक्स की, प्रतीश जीशी, इन्होंने अपना एक इंटरव्यू दिया कि ये विराट कोहली को आउट करना चाहते हैं अपने पहले ही मैच में, ये बड़ा अच्छा इन्होंने इंटरव्यू में बताया और मुझे लगता है ये काफी अच्छा बॉलर है। मौसम ढाकेल करके एक बॉलर है, उसके बाद में अर्जुन शॉ बैट्समैन है और उसके बाद में किशोर मैथो, ये भी एक बॉलर है, तो ये ट्रम्प पिक्स
हैं, न्यू पिक्स जो है नेपाल की टीम से वो ये पिक्स हैं। उसके बाद बात करते हैं अफगानिस्तान की। ये तो एक फ्रंट रनर टीम की तरह आज के टाइम पे उभर रही है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। बता देता हूँ कौन प्लेयर्स हैं इनकी टीम में भी जो अच्छे प्लेयर्स हैं। राशिद खान जानते हैं आप, लेग स्पिनर, और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा गुजरात जायंट्स के लिए और इस बार बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पूरे साल में। मोहम्मद नबी, उसके बाद में रहमानुल्ला गुरबाज, ये तो एक शानदार प्लेयर है, ऑल बहुत ही हर फॉर्मेट में खेलते आ रहे हैं और हर फॉर्मेट में और हर लीग में खेलते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है इनका और ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नजीबुल्ला जाडरान मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, लेकिन हिटिंग के मामले में लेफ्ट हैंडर है लेकिन हिटिंग बड़ी शानदार करते हैं, हर तरह के शॉट्स हैं इनके पास में और बहुत ही तेज तरह शॉट्स खेलते हैं। मुजीबुल जाडरान, मुजीब जो है, मुजीब के बारे में मैं आपको बताऊं तो बहुत अच्छी एक ट्रिक स्पिन बॉलिंग है इनकी और ये इनके लिए एक बहुत अच्छे जो है स्पिनर साबित होंगे इस मैच के अंदर। अब बात कर लेते हैं इनकी ट्रंप पिक्स। कायस अहमद को इन्होंने लिया, लेग स्पिनर है, अगर मुजीब नहीं खेलते तो इनकी जगह पे ही खेलते हुए नजर आ सकते हैं। फजल अक फारूकी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, शानदार सीम से बॉलिंग आती है और बहुत ही अच्छे ट्रंप पिक है अफगानिस्तान के लिए। उमर सही, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहा है उनका हर लीग में और अपनी टीम के लिए भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और बहुत ही ज्यादा शानदार पेस से बॉलिंग डालते हैं। उसके बाद में इनकी टीम के अंदर जो है काफी अच्छे प्लेयर्स हैं, जैसे कि नवीन उलक को भी इन्होंने लिया है और उसके साथ साथ में इन्होंने लिया है इब्राहिम जाडरान को, ये अच्छे ओपनर भी हैं और मिडिल ऑर्डर खेलते हैं और ये भी इनके लिए ट्रंप पिक साबित हो सकती है। तो कह सकते हैं कि अफगानिस्तान टीम जो है वो अच्छी खासी टक्कर देगी बाकी सारी टीम्स को। बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश टीम की कप्तानी संभालते हुए नजर आएंगे आपको शाकिब अल हसन, उनकी ट्रंप पिक में भी शाकिब अल हसन, उसके बाद में मुशफिकुर रहीम अभी भी खेल रहे हैं लेकिन अच्छा खासा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। लिट्टन दास ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे और बड़ा अच्छा प्रदर्शन इनका भी रहा है। मुस्तफिजुर रहमान अच्छा प्रदर्शन रहा है लेकिन कुछ मैचेस में अभी थोड़ा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन जब इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है तो मुस्तफिजुर रहमान का जो पलड़ा है वो भारी होता है। तस्कीन अहमद आज के टाइम पे सबसे फ्रंट रनर सीम बॉलर हैं बांग्लादेश की टीम में, उसके अलावा इनकी टीम में अच्छा बॉलर है ही नहीं क्योंकि ये परफेक्ट सीम बॉलर हैं, अच्छे पेस के साथ अटैक करते हैं, मार खाते हैं तो खाते हैं लेकिन सर्टेनली देखा जाए तो आज के टाइम पे बॉलिंग भी इनकी जो है बहुत अच्छी और तेज तरह बॉलिंग डालते हुए नजर आए। बात कर लेते हैं न्यू फ्रंट रनर कौन से हैं बांग्लादेश टीम में। तंजीम हसन और तंजीद हसन ये दोनों भाई हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, एक बॉलर है फास्ट और एक जो है वो अच्छे खासे बैट्समैन है मिडिल ऑर्डर के। तौहीद रिदवे मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज, मुझे लगता है ये टीम के अंदर खेलेंगे भी क्योंकि इनकी जगह बनती है, इन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन किया है लंका प्रीमियर लीग में और काफी अच्छी प्रदर्शन करते हुए नजर आए भी है, तो मुझे लगता है ये इनके लिए एक ट्रम्प कार्ड है। बांग्लादेश टीम की बात कर लूं तो बांग्लादेश टीम की प्रदर्शन अच्छा खासा रहा है लेकिन मुझे लगता है औसतन टीम है लेकिन अच्छा खासा प्रदर्शन कर सकती है। फिर बात करते हैं श्रीलंका टीम से, उनकी टीम तो इस बार इतना अच्छा प्रदर्शन किया उनके कुछ प्लेयर्स ने लंका प्रीमियर लीग में, हसरंगा की क्या बात करें, हसरंगा ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, अभी वो चोट से उभर रहे लेकिन मुझे लगता है फिट हो जाएंगे। फिर है शानाका, दर्शन शानाका का कैप्टन है इनके, कुशाल मेंडिस, लहिरु कुमारा फास्ट बॉलर, धनंजय डिसिल्वा मिडिल ऑर्डर के शानदार बल्लेबाज और ऑलराउंडर है काफी अच्छे। न्यू पिक इनके लिए जो है वो है नुवानीडो फर्नांडो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, असन भंडारा मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, दिलशान मधुशंका ये इनके लिए एक लेफ्ट आर्म सीम बॉलर है ये भी और बहुत अच्छी बॉलिंग डाली है लंका प्रीमियर लीग में, और महेश तीक्ष्णा जो कि धोनी के इस बार बहुत ही सिक्के साबित हुए जिन्होंने अपनी टीम के लिए बड़ा शानदार प्रदर्शन किया, मुझे लगता है ये इनके लिए एक ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं और यही इनकी ट्रम्प कार्ड पिक भी है श्रीलंका की। तो ये मैंने आपको बता दिया पूरा कि एशिया कप के अंदर ये सब टीमों का ये कॉम्बिनेशन रह सकता है, ये ट्रम्प कार्ड है, न्यू पिक इनकी है। अब कौन जीतने के चांसेस है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एशिया कप के अंदर इस बार कोई भी जीतने का चांसेस फिक्स नहीं है, नेपाल की टीम भी जो है वो इंडिया को फाइट दे सकती है, पाकिस्तान को भी फाइट दे सकती है क्योंकि सारे प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं हर टीम में, लेकिन चांसेस जीतने के जो मैं आपको बता देता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया जो है वो फ्रंट रनर्स हैं जीतने के लिए, लेकिन मुझे लगता है हो सकता है पाकिस्तान भी जीत सकती है लेकिन इंडिया का पलटा इसलिए भारी है क्योंकि बुमराह रिटर्न कर रहे हैं तो बुमराह के रिटर्न होने से एक काफ़ी फायदा मिलता है टीम को, तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छी फाइट हो सकती है। पाकिस्तान के भी 50-50 चांसेस हैं, इंडिया के भी 50-50 चांसेस हैं, लेकिन अगर देखने जाए तो पाकिस्तान भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और इंडिया भी, तो आपके हिसाब से आप सब लोग ये सोचते हैं कि इंडिया ही फ्रंट रनर है लेकिन मुझे लगता है पाकिस्तान भी इस एशिया कप टाइटल को जीत सकता है क्योंकि उनकी टीम जो है वो भी काफी अच्छी फाइट करने वाली है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि मैं ऐसे अभी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कौन जीतेगा, लेकिन हाँ इंडिया और पाकिस्तान में से ही कोई ना कोई एक टीम जो है वो इस बार एशिया कप टाइटल को जीती हुई नजर आएगी और ये मेरी इस बार की प्रेडिक्शन है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।